जानते हो मेरे दोस्त, हर वो लड़का इस डाउट और इस कंफ्यूजन में आज के समय में जी रहा है जिसको ब्रह्मचर्य का ज्ञान हो गया है, जो ब्रह्मचर्य के बारे में जान चुका है, वो सिर्फ इसी कंफ्यूजन में जी रहा है, क्या सच में ब्रह्मचर्य करने के बाद जो मेरे शरीर में वीकनेस है, जैसे कि धातु रोग की समस्या, स्वप्न दोष की समस्या, पेनिस की समस्या या हेल्थ से रिलेटेड समस्या, क्या ये सारा समस्या सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य करने के बाद सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आज मैं एक शब्द और एक लाइन में इसका जवाब दूंगा मेरे दोस्त। आप सच में सिर्फ 60 दिन या 30 दिन यानी कि 30 दिन ब्रह्मचर्य नियम को फॉलो करके देख लेना मेरे दोस्त, सच में बता रहा हूं आपको वो सब फायदे नजर आने लगेंगे जिसके डाउट में आप जी रहे हो, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य में वो शक्ति, वो पावर है। अब बहुत सारे लोगों का मेरे मेन चैनल टॉपिक हेल्थ डीप है, जहां मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूं, मैं लोगों से जाके मिलता भी हूं, वहां लोगों के बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूं कैसे वो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, उनका ब्रह्मचर्य टूट क्यों जा रहा है। मैं ऐसे लोगों को मोटिवेट करके आता हूं, उनको बता कर आता हूं मेरे मेन चैनल पे। इस तरीके का वीडियो देखना है टॉपिक हेल्थ डीप पे, तुरंत जाओ या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना मेरे दोस्त, ठीक है। उस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, तो कितने सारे लोगों का कमेंट्स उस पे ये आता है, दिनेश भाई तुम्हें तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। ये चीज सुनने के बाद मुझे बहुत दुख होता है। क्या ब्रह्मचर्य का ज्ञान ये है कि मैं बता दूं कि मैस्टरबेशन करना सही है? ये ब्रह्मचर्य का ज्ञान है यार? मैं ये नहीं बताता, मैं हमेशा मैस्टरबेशन को गलत ठहराता हूँ, हमेशा कहता हूँ मैस्टरबेशन करना गलत है, नहीं करना चाहिए, लास्ट में झेलोगे, 4 साल बाद रोओगे, ये होना होगा, ये हो जाएगा। तो लोगों को लगता है मजाक है यार, ब्रह्मचर्य नियम में कहीं लिखा ही नहीं है कि मैस्टरबेशन सही है। मैं सच बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ दोस्त, मैस्टरबेशन किसी ने नहीं बनाया, कुदरत ने नहीं बनाया, यही पे लोगों ने शोध करके मैस्टरबेशन को बनाया है, और अपने 2 पल की खुशी के लिए लोग इसको करते हैं, और कोई बेनिफिट्स नहीं है इसके, कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ तसल्ली के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार क्या किया जाए, जब तक शादी नहीं होता तब तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये कौन सी बात है मेरे दोस्त, ये कौन सी बात है? जब तक जॉब ना मिले तो चोरी करना शुरू कर दोगे? जब तक कुछ नहीं मिलता तो क्या ढाका डालोगे? ये कोई बात होती है यार? स्ट्रगल करो, पढ़ाई करो, तब तो नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, कहीं कोई बिजनेस व्यापार खड़ा करो। अब ये थोड़े नहीं मिल रहा है तो मैं चोरी करूंगा, ये कौन सी बात है मेरे दोस्त? कोई बात नहीं है। पर आज के समय वही चीज कंडीशन लागू हो रहा है कि आपकी शादी नहीं हुई है, आपका कोई पार्टनर नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं हो, तो क्या आप मैस्टरबेशन करना शुरू कर, अपने शरीर की ऐसी की तैसी करना शुरू कर दोगे? आपको अपने शरीर की नहीं पड़ी? कितना कीमती शरीर है, शरीर के अंदर की वीर की कीमत जानते हो कि नहीं? उससे बच्चा पैदा होता है, संतान की प्राप्ति होती है, और उसी वीर को खाली कर रहे हो, गंदे नाले में फेंक रहे हो। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा है मेरे दोस्त। चिल्ला कर मोटिवेशन दूंगा, जिस भाई को अच्छा लगे देखे, ना अच्छा लगे ना देखे दोस्त, लेकिन मेरा मोटिवेशन देने का काम है। जितने लोग मुझसे इंस्पायर होकर ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त, ऐसे लोगों को मेरा नमन है। कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं देगा हाथ जोड़कर, मेरा कोई फायदा नहीं है, बस फायदा यही आप लोग मुझे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो मेरे दोस्त, बस यही आप जान लो। और इसी प्यार और सपोर्ट के दम पे मेरे अंदर एक जुनून आता है, एक ऊर्जा आती है, और आएगी क्यों नहीं यार, मैंने ब्रह्मचर्य के फायदे देखे अपने ऊपर, अपने जीवन में परिवर्तन देखे हमने, क्यों नहीं आएगी? लेकिन कुछ कमेंट्स को पढ़ने के बाद बहुत सारी गुस्सा आती है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज में ये भी बताए जाते हैं, मैंने खुद देखा है कि मैस्टरबेशन करना सही होता है, इससे ये फायदे होते हैं। यार अभी आप तुरंत गूगल पे सर्च करो, एक चीज मेरी मानकर गूगल पे तुरंत सर्च करना कि मैस्टरबेशन करने के फायदे फटाफट देने लगेगा, और जैसे आप नुकसान सर्च करोगे कि मैस्टरबेशन करने के नुकसान भी फटाफट देने लगेगा। तो जब फायदे इतने ज्यादा है तो नुकसान क्यों बता रहा है भाई, क्यों बता रहा है? लेकिन आप लोगों में समझ नहीं है मेरे दोस्त, आपको समझना होगा, सही चीज पकड़नी होगी। 1 साल वीर रक्षा करके देख लो ना, दिनेश भाई ने क्या कहा था, क्या मोटिवेशन दिया था, आप याद करोगे, सच बता रहा हूं, सिर्फ 1 साल मेरी बात मानकर 1 साल मैस्टरबेशन रोक दो और ब्रह्मचर्य नियम को फॉलो करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो, योग आसन कपाल भात जिस नियम को फॉलो करो मेरे दोस्त, आप देखोगे ऐसी ऐसी चीजों का बदलाव आपके शरीर में होना शुरू हो जाएगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो कैसा लगा ये मोटिवेशनल वीडियो दोस्त, कमेंट करके बताना, वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय।